नाजरीन, जम्मू कश्मीर में लगातार हो रहे मिलिटेंट अटैक्स को लेकर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने दिल्ली में एक अहम मीटिंग बुलाई है। आपको बताते चले, ये जो मीटिंग है ये दिल्ली के साउथ ब्लॉक में हो रही है, जहां पर मुख्तलिफ सिक्योरिटी एजेंसीज के सरबराह ने शिरकत की है। आपको ये भी बताते चले कि इस मीटिंग की जो सदारत है वो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह खुद कर रहे हैं, और इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर में बढ़ते हुए मिलिटेंट अटैक्स को लेकर बात हो रही है और किस तरह से जो सिक्योरिटी एजेंसीज है वो इस टेरर अटैक्स को टैकल कर रही है, उस हवाले से ये मीटिंग की जा रही है। और इस मीटिंग में मुख्तलिफ एजेंसियों के सिक्योरिटी एजेंसियों के जो सरबराहान हैं, जिसमें अगर बात की जाए NSA चीफ अजीत डोवाल, इसके अलावा भारतीय चीफ के सरबराह जनरल उपेंद्रा द्विवेदी और साथ ही साथ दीगर जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनके जो सरबराहान हैं, उन्होंने इस मीटिंग में शिरकत की है। साथ ही अगर बात की जाए इस मीटिंग में डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन ने भी इसमें शिरकत की है। वहीं आपको बताते चले, ये जो मीटिंग है ये जम्मू कश्मीर में बढ़ रहे मिलिटेंट अटैक्स को लेके की जा रही है, जिसमें अगर बात की जाए मुख्तलिफ जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ के सरबराहान हैं वो इस मीटिंग में शामिल है। और जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि NSA चीफ अजीत डोवाल भी इस मीटिंग में मौजूद है, भारतीय चीफ जो है जनरल उपेंद्रा द्विवेदी वो भी इस मीटिंग में शामिल है, और साथ ही साथ इस मीटिंग में डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन भी इस मीटिंग में मौजूद है, जिसमें जम्मू कश्मीर में बढ़ते हुए मिलिटेंट अटैक्स को लेकर बात की जा रही है।